दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नदियों को धर्म से जोड़ के देखा जाता है और साथ ही नदियों की पूजा भी की जाती है। इस तरह भारत में नदियों का बहुत महत्व है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि भारत की 10 सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसकी उद्गम कहाँ से होती है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी रफ्तार कितनी है और वो कहाँ पे जाकर गिरती है। तो चलिए शुरुआत। भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। जी हाँ दोस्तों, जो कि तिब्बत के पठारों से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है और इसकी जो लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है, जो कि भारत के बाद पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान के करांची में अरब सागर में गिरती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 5533 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। जी हाँ दोस्तों, ये नाम देवी देवताओं से लिया गया है, भगवान ब्रह्मा के पुत्र अर्थात ब्रह्मपुत्र है और इसकी जो लंबाई 3900 किलोमीटर है और ये भारत में केवल 916 किलोमीटर बहती है और इसका जो उद्गम स्थल है वो नॉर्थ कैलाश रेंज है, हिमालय से निकलती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 3105 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड है। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है और इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और इसकी रफ्तार 14720 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है क्योंकि इसका पानी सालों भर खराब नहीं होता है। लोग गंगा नदी के पानी को अपने घर ले जाके रखते हैं और वो खराब नहीं होता है, इसलिए ये भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। अगर उसके बाद हम बात करें भारत की चौथी सबसे लंबी नदी की, तो भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। जी हाँ दोस्तों, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 3505 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है, जो कि महाराष्ट्र से निकलती है और ये नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत में सिंचाई को लेकर के। उसके बाद भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें, तो भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है यमुना नदी। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी जो कि बोंडरपुच पिक से निकलती है और इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है, जो कि गंगा में जाके विलय हो जाती है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और इसकी अधिकतम रफ्तार 2950 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। और ये एक बहुत बुरी बात इस नदी के लिए ये है कि ये नदी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है, जो कि इस नदी के लिए बहुत ही बेकार बात है और हम सभी को इस नदी को मिलकर साफ भी करना पड़ेगा। अगर हम भारत की छठवीं सबसे लंबी नदी की बात करें, जी हाँ दोस्तों, तो भारत की छठवीं सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में जाकर के गिर जाती है और इसका उद्गम स्थल है नर्मदा कुंद विंध्याचल पर्वत। जी हाँ दोस्तों, और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम रफ्तार 1447 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है और ये नदी सिंचाई के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत के लिए। भारत की सातवीं सबसे लंबी नदी का नाम है कृष्णा नदी। जी हाँ दोस्तों, जो कि महाबलेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 1641 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। जी हाँ दोस्तों, बात करें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए नदी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सभी राज्यों में सूखा पड़ता है, जिसके कारण इसी नदी का पानी को उपयोग में लिया जाता है। अगर हम भारत की आठवीं सबसे लंबी नदी की बात करें, तो भारत की आठवीं सबसे लंबी नदी का नाम है महानदी। जी हाँ दोस्तों, इसे महानदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे नदियों से मिल करके बनती है और इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम रफ्तार 31.9 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड है और ये उड़ीसा में जा कर के एक डेल्टा बनाती है और उसके बाद अगर इसके हम उद्गम की बात करें, तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है
जी हाँ दोस्तों, और ये नदी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कटक से होते हुए जाती है, और कटक जो कि इसके रास्ते में आता है, और वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम सिंचाई की दृष्टिकोण से देखें तो ये उड़ीसा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। अगर हम भारत की नौवीं सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत की नौवीं सबसे लंबी नदी का नाम कावेरी नदी है, जो कि 805 किलोमीटर लंबी है, और यह बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु में जाकर के गिर जाती है, और इसकी रफ्तार 677 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। अगर हम भारत की दसवीं सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत की दसवीं सबसे लंबी नदी का नाम है तापी नदी, जो कि 724 किलोमीटर लंबी है, और यह मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है, और इसकी रफ्तार 489 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड के